एक चीज जो मैं अनसर्टन टाइम्स में सभी लोगों को बताता हूँ कि यू नो फॉरगेट अबाउट द इवेंट्स, यू नो जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, तो भूल जाओ घटनाओं को और ध्यान दो अपने प्रतिक्रिया पे, अपने रिस्पांस पे। घटनाएं तो होती रहेगी, अनसर्टन टाइम में घटनाएं होती रहेगी। हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में हैं और 300 फ्लैट बिक रहे थे, अभी 3 फ्लैट बिक रहे, अब ये घटना है। तो घटनाओं को भूल जाइए, आपके प्रतिक्रिया पे ध्यान दीजिए, आपके रिस्पांस पे ध्यान दीजिए। कई लोग अपने ना अपने लाइफ को है ना उन चीजों के साथ जोड़ देते हैं जो हो रहा है, तो अच्छा हो रहा है तो उन्हें क्या लगता है कि उनकी ताकत पे चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर वो 300 फ्लैट तेरी ताकत पे बिक रही थी तो अभी क्या तेरी ताकत कम हो गई, तेरी ताकत गायब हो गई? तो समझ ले कि वो जो 300 फ्लैट बिक रही थी, मौसम भी मस्त था, सिचुएशन भी बढ़िया था, पॉलिसी भी बढ़िया था, एनवायरनमेंट भी बढ़िया था, और तू बहती गंगा में साला हाथ धो डाला। अब ये जो 300 का 3 फ्लैट हो गया, इसका मतलब है, और तेरे को क्या लगता है कि सडनली तेरे अंदर से कोई काबिलियत गई? कैसे गई? अरे जो तेरे में थी नहीं तो गई कैसे? और अगर थी, जिसकी वजह से तू लगते हो, लगता है कि वो 300 हो रहे थे, तो अभी गई किधर? एक कोरोना आ गया तो गई, जीएसटी आ गया तो गया, और यू नो नोटबंदी हो गई तो गया, एक फ्लड आ गया तो गई। अरे बाबा, ये गलत फहमी में नहीं रहना है। बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि लोगों ने साथ दिया, एम्प्लॉय ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, तकदीर ने साथ दिया, बहुत कुछ हुआ। अब रियल टाइम आ गया है, तेरी रियल ताकत तो ये पीरियड में टेस्ट होगा। वहां पर तो बहती गंगा थी तो सबने हाथ धो डाला, अभी तेरे में ताकत है तो अभी दिखा। तो अभी तुझे हार्ड वर्क करना है, अभी तुझे डिफिकल्टीज को लेना है, अभी तुझे फिजिकल, मेंटल और इमोशनली अपने आप को पुश करना है, अभी तुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो मैं बोलता हूं, घटनाओं को भूल जा, अपने प्रतिक्रिया पे ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स पे ध्यान दे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरे हाथ में से ना कंट्रोल चला गया, क्योंकि अभी 300 का 3 हो गया, कोई कंट्रोल विंट्रोल गया नहीं। अच्छा गया तो वापिस ले ले कंट्रोल। अब ये 3 को 30 बनाते, 30 को 300 बनाते, इधर बैठ के रो के हल्ला गुल्ला करके छाती को ठोक के 3 का 30 नहीं होगा और 30 का 300 नहीं होने वाला है। तो सिंपल बात है, काम पे लग जाओ, इधर उधर की बातें बंद करो, व्हाट्सएप तो देखना ही नहीं और भेजना ही नहीं, हो सके तो 30 दिन मोबाइल बंद कर दो, हो सके तो व्हाट्सएप भी उड़ा दो, हो सके तो सबको बोलो मेरे को मैसेज भेजना ही नहीं, खाली जो एसेंशियल एंड नेसेसरी है वो कम्युनिकेशन करो। हो सकता है आप लेट आ रहे हैं तो अपने व्यू को बता दो लेट आ रहे हैं, हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो गया तो किसी को बता दो कि मीटिंग कैंसिल हो गया है। बस इसके लिए आप वापरो, ये जो भेज रहे हैं जोक्स, ये वो, इधर का फोटो उधर का लफड़ा, ये सब में आप अपने आप को मत डालिए। आपका कोई फंडामेंटल एबिलिटी कुछ गया नहीं है, और आप अपने आप को निराश और हताश मत बनाइए कि मेरी तो ताकत ही चली गई, क्योंकि मेरी ताकत कहाँ गई है? ताकत थी, जो थी ना वही है। और अगर आज चीजें ठीक नहीं है और चीजें बढ़ नहीं रही, तो समझ लेना कि पहले भी ताकत थी नहीं, ऊपर वाला साथ था। तो रियल ताकत तो अभी आजमाइश किया जाएगा, रियल ताकत तो अभी है तो दिखा, रियल एबिलिटी इस सिचुएशन में दिखा, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो। तो आपको क्रिएटिवली सोचना है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, आदमी छोड़ के गया मैं कैसे हैंडल करूं, कस्टमर छोड़ के गया मैं कैसे हैंडल करूं, पैसे नहीं मिल रहा तो मैं कैसे हैंडल करूं, पैसे कलेक्ट नहीं हो रहे तो कैसे हैंडल करूं, अरे वसूली बोल के स्मार्ट का प्रोग्राम है जाके अटेंड करो, मेरे पैसे का मतलब मेरा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो कैसे करूं, तो फाइनेंस का प्रोग्राम है, तो कभी गुरुकुल का प्रोग्राम है,
तो कभी सीडी है, सभी चीजें हैं। तो फॉरगेट अबाउट द इवेंट्स, घटनाओं को भूल जाओ, अपने प्रतिक्रिया पे ध्यान दो। और इस तरह से जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्रतिक्रिया करेंगे, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे हर चीज के लिए, तो आपकी फाइट करने की जो एबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अनिश्चितता के काल को आप बराबर हैंडल कर। ऑल द वेरी बेस्ट।